बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशाज किचन। आज हम बना रहे हैं पापलेट फिश फ्राई। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 हल्दी डालें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, 1 टेबल स्पून साल्ट टू टेस्ट डालें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालें, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालें, कुटी लाल मिर्च डालें 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करें। ये हमने हरे मसाले की पेस्ट बनाई है, इसमें 4 जवे हमने लहसुन के डाले, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला है, 4 हरी मिर्चें डाली हैं इसमें, और हरा धनिया डाला है 1 गड्डी, और इसको पीस लिया है। अब इसको इस ड्राई मसाले में मिक्स करें। फ्लेम भी हमारा गर्म हो रहा है, इसको हमने लो फ्लेम में ऑन कर लिया है। 1/2 टीस्पून साबुत धनिया लें, उसको अच्छे से पीस लें, और उसमें 2 इलायची भी डाल दें, 2 चम्मच लेमन जूस डाल दें इसमें। अब इसको पेस्ट बना के साइड कर दें। मसाले की पेस्ट रेडी हो गई है। पैन में ऑयल डालें, एक कप के करीब ऑयल डाला है हमने। ये हमने पापलेट फिश ली है, इसको हमने लीमो लगा के रखा था और हल्दी लगा के आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रख लिया था। अब पैन में फिश को डालते जाएं। अब इसको लो फ्लेम पर हमें गोल्डन ब्राउन करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको हमने अच्छे तरीके से धोकर उसको आधा घंटा पहले लेमन जूस और हल्दी लगा के मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद ऑयल गरम करके हम इसको फ्राई कर रहे हैं। एक तरह से अगर गोल्डन हो जाएंगी तो हम टर्न कर लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, 10 से 15 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पर छोड़ दें। आपको इसी तरीके से इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट। आप खुद चेक कर सकते हैं कि कलर इसका चेंज हुआ है, ये फ्राई हुआ है इस साइड से, तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। कुछ हमारी गोल्डन हो गई है, अब हम इसको टर्न करके जाएंगे। अब इसी तरीके से 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर इसको रख दें। इसको थोड़ा दबाते जाए ताकि उसमें जो पानी है वो निकल जाए हल्के हल्के हाथों से, ताकि कुछ हमारी जीते ना, हल्के हल्के हाथों से दबाए इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। अब इसको टर्न करके जाएं। ये देखें, दूसरी तरफ से भी हमारी फिश फ्राई हो गई है। अब हम इसको पैन से निकाल देंगे ताकि इस पर जो हमने मसाला की पेस्ट बनाई थी वो लगा दें। देखें दोनों तरफ से गोल्डन हो गई है। अब फिश को निकाल दें पैन से। सारी फिश निकाल दें। अब निकाल दें इसको भी। अभी इसी पैन में दूसरी भी डाल दें। इस
उसको भी इसी तरीके से फ्राई करना है। 10 से 15 मिनट एक तरफ से फ्राई करो, फिर 10 से 15 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई करना है। जब तक हमारी फिश फ्राई हो रही है दूसरी वाली, हम इस पर मसाला लगाएंगे जो हमने रिपेयर तैयार किया था। इस तरीके से दूसरी फिश भी हमारी फ्राई हो गई है, ये देखिए गोल्डन कलर उसका भी हो गया है, हम इसको भी निकाल देंगे। सारी फिश हमने निकाल दी है और इसी तेल में हमें दूसरी जिसको मसाला लगाया है वो दम पर रखनी है। पैन में से जो ऑयल बचा था वो हमने निकाल लिया, बस थोड़ा सा बचा है। अब इस सारी फिश को हमने मसाला लगा लिया है, अब इसको दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। अब इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो गए, अब हम चेक कर लेते हैं। फिश को हमारी दम आ गया है, अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है।